Question number 1. In C5H12, each carbon has dash hybridization and dash geometry. sp2 and triangular geometry, sp3 and planar geometry, sp3 and tetrahedral geometry, sp3 and triangular geometry. इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये पेंटेन है. अगर आप इसको चेक करेंगे CnH2n+2 फार्मूले के तहत, जो कि एल्केन का जनरल फार्मूला है, तो आपको पता चलेगा कि ये एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है. और जिस तरह से मीथेन जो है वो भी एल्केन है, उसमें भी sp3 और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है. इस तरह से जितने भी मॉलिक्यूल होती हैं एल्केन में, सब में sp3 और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, जबकि जो उनसे एल्कीन होते हैं उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है. सो सी ऑप्शन जो है ये ट्रू ऑप्शन है. व्हेन एसिटाइलीन इज पास थ्रू डैश ट्यूब एट डैश टेम्परेचर टू गिव बेंजीन. एसिटाइलीन के जब तीन मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होते हैं, तो वो पॉलीमराइज होकर बेंजीन का स्ट्रक्चर देते हैं. और ये सब प्रोसेस जो होता है वो सिल्वर ट्यूब 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, कॉपर ट्यूब 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कॉपर ट्यूब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या फिर सिल्वर ट्यूब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे. ये सी ऑप्शन ठीक ऑप्शन है, क्योंकि एसिटाइलीन का पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है जिसमें बेंजीन बनती है, ये कॉपर ट्यूब में होता है, और इसमें जो टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. इन हाइड्रोजिनोलाइसिस प्रोसेस डैश कैटलिस्ट इज यूज्ड. एनिमल चार्कोल, प्लैटिनम क्लोराइड, प्लैटिनम चार्कोल, बोथ ए एंड सी. हाइड्रोजिनोलाइसिस का प्रोसेस जो होता है ये एल्केन की फॉर्मेशन में हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम हर अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल H2 ऐड कराते हैं, जिसकी वजह से हम एल्केन हासिल कर लेते हैं. इसमें जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो है प्लैटिनम चार्कोल. सी ऑप्शन ठीक है, जबकि एनिमल चारकोल तो चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि उसमें डी कलराइजिंग के लिए यूज़ होता है. अगर क्रिस्टल में कोई अनवांटेड कलर आ जाए तो उसको रिमूव करने के लिए एनिमल चारकोल यूज़ करते हैं, जबकि हाइड्रोजिनोलाइसिस में हम प्लैटिनम चारकोल ही यूज़ करते हैं. विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. अब कोब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है एल्केन को प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें हम मिथेन को पैदा नहीं कर सकते, इथेन को, प्रोपेन को, या ए और सी दोनों को. कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जिसमें हम एल्केन को बनाते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, उसमें हम सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन को ही बना पाते हैं. अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज़ नहीं होता. अनसिमेट्रिकल इथेन, जैसे इथेन है इसमें 2 कार्बन है. सिमेट्रिकल एल्केन ऐसी एल्केन होती है जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, जबकि अनसिमेट्रिकल एल्केन ऐसे एल्केन है जिसमें ओड नंबर ऑफ कार्बन आइटम हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10. ये सारे के सारे सिमेट्रिकल हैं, जबकि 1, 3, 5 ये अनसिमेट्रिकल. इसमें इथेन जो है ये सिमेट्रिकल है, इसको हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जबकि मिथेन और प्रोपेन दोनों ही अनसिमेट्रिकल एल्केन हैं. इन दोनों को हम कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के जरिए मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते. सो ट्रू ऑप्शन इज डी ऑप्शन. इन वुल्फ किशनर रिडक्शन एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू एल्केन यूजिंग डैश कैटलिस्ट हाइड्राजाइन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक अमलगम एंड HCl. बोथ कैन बी यूज, नॉन इज सूटेबल. एक होता है क्लेम्पसन मेथड, जिसमें हम एल्केन बनाते हैं कीटोन को यूज़ करते हुए, जबकि जो वुल्फ किशनर रिडक्शन है इसमें एल्डिहाइड को हम जिंक अमलगम और HCl यूज़ करते हुए नहीं, बल्कि हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इसमें हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और हम एल्डिहाइड से एक एल्केन का मॉलिक्यूल हासिल कर लेते हैं. इसके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल भी बनता है. सो जो आवर करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है. If we add a CH2 group to a alkene molecule, then its boiling point increases by. ये जो MCQ था ये ईजी MCQ लिया है, जिसमें हमने से बुक की लाइन है 25 to 35 degree, 15 to 20 degree, 30 to 80, 20 to 30 degree. इनमें जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है,
क्योंकि जो जब भी हम किसी एल्केन के मॉलिक्यूल में एक सी एच टू का ग्रुप ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 20 to 30 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर जाता है। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन के एक दो हम एमसीक्यू हल करते हैं, इसके बाद काफ़ी कंसेप्चुअल हल करेंगे। अप टू डैश कार्बन एटम्स एल्केन्स आर गैसेज, 3 carbon atoms, 4 carbon atoms, 5 carbon atoms और 2 carbon atoms। कन्फ्यूजन इस तरह से होती है कि अल्केन में अप टू डैश कार्बन एटम गैसेज होती हैं जबकि अल्काइन में 3 carbon atoms के तक गैसेज होते हैं, अल्केन में 4 carbon atom तक अल्केन गैसेज होते हैं जबकि इसके बाद वो लिक्विड और उसके बाद सॉलिड बनना शुरू हो जाते हैं। सो ट्रू ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन बेंजीन। इनमें जो ट्रू ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, अल्कीन। अल्काइन भी अल्कीन से कम रिएक्टिव होते हैं और बेंजीन अल्केन भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल को एक्सपोज नहीं होते। कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो इजीली रिएक्ट नहीं कर पाता अल्केन पर। इस तरह से बेंजीन पे 3 double bond तो होते हैं लेकिन इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से, क्लोज स्ट्रक्चर की वजह से ये भी इतनी रिएक्टिव नहीं होती जितनी के अल्कीन है, क्योंकि अल्कीन में सिर्फ 1 pi bond होता है। इसके इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफाइल ऐसे एलिमेंट जो कि ऐसा कंपाउंड जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है वो इजीली रिएक्ट करके इससे बॉन्ड बना सकता है, जबकि अल्काइन में 2 pi bond होते हैं। इसके जो बॉन्ड होता है वो और भी शॉर्ट हो जाता है। हमने देखा था कि जो उन सब पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड शॉर्ट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 के जब हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे उसमें बताया था मैंने एक्सप्लेन करके कि जब पाई बॉन्ड की वजह से कार्बन एटम के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है जिसकी वजह से अल्काइन में 2 pi bond हैं, इसके इलेक्ट्रॉन इतने एक्सपोज नहीं होते जितने अल्कीन के होते हैं। सो ए ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। इफ HCl इज एडेड टू विनाइल एसिटाइलिन विच कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड, क्लोरोप्रीन, न्योप्रीन, विनाइल क्लोराइड, विनाइल अल्कोहल। जब हम विनाइल एसिटाइल को कॉपर क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले क्लोरोप्रीन बनता है। ये क्लोरोप्रीन फिर फर्दर पॉलीमराइज होकर न्योप्रीन बनाता है, जबकि विनाइल क्लोराइड और विनाइल अल्कोहल का कोई ताल्लुक नहीं इस एमसीक्यूज में। सो ट्रू ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन, क्लोरोप्रीन ही बनता है जब पहले HCl से विनाइल एसिटाइलिन रिएक्ट करता है। द आयूपैक नेम ऑफ CH3, CHC2H5, CH2, C into C2H5 to CH3, 2 to dimethyl, 1 ethyl pentane, 2 to diethyl, 4 ethyl pentane, 2 ethyl, 4,4-dimethylhexane, 2 ethyl, 4,4-diethylpentane। अब इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन। अब ये कैसे है ये आपको मैं डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह से होगा, ये CH3, ये वाला CH के साथ C2H5 लगा हुआ है, CH2 इस कार्बन के साथ 2 CH2 C2H5 के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं और CH3। अब हमने कार्बन नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, क्योंकि कार्बन नंबरिंग हम उस तरफ से स्टार्ट करते हैं जहाँ ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों। इधर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं कार्बन नंबर 2 पे, इधर 1 सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम इधर से कार्बन नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। सो 2 carbon पे 2 ethyl के मॉलिक्यूल लगे हैं तो सबसे पहले हम कहेंगे 2,2-diethyl, और कार्बन नंबर 4 पे 1 ethyl का मॉलिक्यूल लगा हुआ है तो हम कहेंगे 2,2-diethyl-4-ethyl। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन की चेन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 2,2-diethyl-4-ethyl-pentane। सो बी ऑप्शन बीटा ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से हम आयूपैक नेम देते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। एन अल्कीन व्हेन ट्रीटेड विद हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 सॉल्यूशन विच बॉन्ड ब्रेक्स, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन। में एक मिस्टेक है,
वो ये है कि जो एल्केन है वो KMnO4 सॉल्यूशन से रिएक्ट तो करते हैं लेकिन कोल्ड कंसंट्रेटेड के साथ, हार्ड कंसंट्रेटेड के साथ एल्केन रिएक्ट नहीं करते। खैर जब एल्केन रिएक्ट करते हैं KMnO4 सॉल्यूशन से तो इसमें सी डबल बॉन्ड कार्बन टूटता है, ना कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। एल्केन रिएक्ट करते हैं KMnO4 सॉल्यूशन से, फोर मॉलिक्यूल यूज होते हैं वाटर के साथ, और इसमें जो प्रोसेस बन में जो मॉलिक्यूल बनता है वो बनता है इथाइलीन ग्लाइकोल। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाता है और इसके साथ टू हाइड्रोक्सल बॉन्ड अटैच हो जाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हाइड्रोक्सिलेशन भी कहते हैं। द मार्कोनी कर्व्स रूल इज एप्लीकेबल ऑन इथीन ट्यूबटीन 2,3-डाइमिथाइलब्यूटीन 1-प्रोपीन। हमने पढ़ा था कि जो मार्कोनी कर्व रूल हमने बनाया ही इसलिए था कि ताकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम जब किसी Cl2 की एडिशन कराएं, HCl की एडिशन कराएं, किसी मॉलिक्यूल की ऐड कराएं तो तब क्या होगा, हाइड्रोजन किसके पास जाएगा और क्लोरीन किस कार्बन के साथ जाएगा। इस तरह से हमने मार्कोनी कर्व रूल में ये बात पढ़ी थी कि ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। अब इधर जो ट्रू ऑप्शन है वो है प्रोपीन, क्योंकि इथीन भी 2 कार्बन पे होती है सिमेट्रिकल कीन है, ब्यूटीन भी एक सिमेट्रिकल कीन है 4 कार्बन पे, जबकि 2,3-डाइमिथाइलब्यूटीन ये भी एक सिमेट्रिकल अल्कीन है, जबकि जो 1-प्रोपीन है ये अनसिमेट्रिकल है। सो जो मार्कोनी का रूल है वो सिर्फ और सिर्फ डेल्टा ऑप्शन पे अप्लाई होगा, 1-प्रोपीन। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन नियो पेंटेन आर। अब पहली बात ये कि नियो पेंटेन एक अल्केन है, चाहे आइसो पेंटेन हो चाहे नियो पेंटेन हो, जिस तरह की मर्जी हो, लेकिन है ये एक अल्केन है। और अल्केन के में नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम का फार्मूला सेम होता है, 8, 20, 16, 14। अब जो सा पेंटेन है इसमें 5 कार्बन होते हैं। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म करने के लिए 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो 5 2 10 और +2 ऐड कर देंगे तो 12 हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे, जबकि इन ऑप्शन में इन्होंने कोई भी नहीं दिया। सो ये MCQ है ही गलत है, क्योंकि एक ना एक एक इनमें 10 ऑप्शन का जरूर होना चाहिए था। खैर आपको तो पता चल गया कि नियो पेंटेन हो चाहे आइसो पेंटेन हो चाहे नॉर्मल पेंटेन हो, उनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो से हैं वो सेम रहते हैं। आप पहले बहुत कन्फ्यूज हुए होंगे कि आपके मुताबिक तो इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। खैर हम अपने अगले MCQ की तरफ चलते हैं। ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन विद अल्कालाइन KMnO4 सॉल्यूशन गिव ग्लाइकोल क्लोरॉक्सल ऑक्सैलिक एसिड मेलोनिक एसिड। जिस तरह से अल्कीन KMnO4 से रिएक्ट करते हैं उसी तरह से अल्काइन भी करते हैं, लेकिन जब अल्काइन करते हैं तो सबसे पहले ग्लाइऑक्सल बनता है, 2 ऑक्सीजन के मोल यूज होते हैं, 2 वाटर के, और ग्लाइऑक्सल बनता है। लेकिन ग्लाइऑक्सल के बनने के बाद ग्लाइऑक्सल फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सैलिक एसिड बनाता है। सो क्योंकि MCQ में उन्होंने कंप्लीट ऑक्सीडेशन का नेम यूज़ किया है, वर्ड यूज़ किया है, तो इधर आप ग्लाइऑक्सल यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि ट्रू ऑप्शन सी ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन ऑक्सैलिक एसिड। कंपाउंड्स हैविंग हाईएस्ट हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियोज़ साइक्लोल्केन अल्कीन बेंजीन अल्केन। इनमें जो ट्रू ऑप्शन है वो है डेल्टा ऑप्शन, क्योंकि अल्केन में भी हाइड्रोजन की नंबरिंग कम हो जाती है, बेंजीन में तो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि इनमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, अल्कीन में 1 डबल बॉन्ड होता है, और बेंजीन में अल्काइन से भी हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा कम हो जाते हैं। वो साइक्लोल्केन और अल्केन में कन्फ्यूजन पैदा होती है, लेकिन हमने एलिफैटिक जो उनसे हाइड्रोकार्बन से चैप्टर शुरू किया था तो उसमें देखा था कि जब अल्केन साइकिल की फॉर्म में होते हैं तो उनका जनरल फार्मूला अल्कीन की तरह हो जाता है, यानी 2 हाइड्रोजन एटम कम हो जाते हैं जब अल्केन साइकिल की फॉर्म में आते हैं, एक सर्कल की फॉर्म में आते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 7 के MCQ में भी डिस्कस किया था। When 2-bromobutane reacts with alcoholic KOH, the product is alkyl halide, alcohol, alkene या इनमें से कोई भी नहीं।
अल्कीन की फॉर्मेशन का सबसे पहला रिएक्शन है कि हम अल्काइल हैलाइड से, यानी अगर अल्कीन अल्कीन और उसके साथ कोई ब्रोमीन या हैलोजन अटैच है तो उससे हम अल्कीन कैसे हासिल कर सकते हैं, उसको हम अल्कोहलिक इवेंट से रिएक्ट करते हैं जिसके नतीजे में एक अल्कीन बनता है। सो ये काफ़ी आसान एमसीक्यू है, सो सी ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज इन द ऑर्डर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सेकेंडरी ज़्यादा आसानी से होता है, फिर प्राइमरी, फिर टर्शरी। टर्शरी सबसे ज़्यादा आसानी से डिहाइड्रेशन होता है, सेकेंडरी या प्राइमरी। इनमें चार्ली ऑप्शन सबसे ठीक ऑप्शन है, क्योंकि टर्शरी जो उनसे अल्कोहल होते हैं उनकी हाइड्रेशन आसानी से होती है, उसके बाद सेकेंडरी की, उसके बाद प्राइमरी की। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसके रीज़न मैं आपको देता हूँ। क्योंकि जो प्राइमरी अल्कोहल है उसमें कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन अटैच होते हैं और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 2.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है 4.4। सो कार्बन पे आ जाता है माइनस नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे प्लस पार्शियल चार्ज, और ये पोलर कंपाउंड बन जाते हैं। और इस पे माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज, ये इतना स्टेबल नहीं होता इसमें, क्योंकि माइनस चार्ज आ गया है तो ऑक्सीजन पे भी इसकी इलेक्ट्रॉनिटी बहुत ज़्यादा थी, तो ये इन दोनों का रिएक्शन करते हुए इनका बॉन्ड स्ट्रोंग होता है सेकेंडरी से। अब सेकेंडरी से कैसे स्ट्रोंग होता है, इधर भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इधर कार्बन सेकेंडरी में हाइड्रोजन से अटैच नहीं होता, बल्कि मजीद एक कार्बन से अटैच होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है लेकिन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी ज़्यादा है, इस जिसकी वजह से कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसकी वजह से न्यूट्रल हो जाता है। और ये कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा, ये बॉन्ड जो सा ऑक्सीजन से बना हुआ है OH से कार्बन का, ये वीक होता जाएगा, जबकि इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इसके बाद स्टेबल हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं था वह जितना सेकेंडरी में हुआ था। लेकिन सेकेंडरी के बाद टर्शरी को देखें तो उसमें तीन कार्बन एटम अटैच होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की वजह से जो उनका कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होता है वो मजीद न्यूट्रल हो जाता है इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन इस कंडीशन में इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कार्बन से भी कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज एक स्ट्रोंग बॉन्ड बनता है इसकी निस्बत। ये आपको अगर समझ आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो फिर भी अच्छी बात है। खैर हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अल्कीन्स आर नोन एज ओलिफिन्स बिकॉज देयर लोअर मेंबर्स गिव ऑयली प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर, सल्फर, क्लोरीन और ब्रोमीन और हाइड्रोजन। ये मैंने बुक की लाइन ली है, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है लकीन ओलिफिन भी कहते हैं लकीन को, क्योंकि इनके जो लोअर प्रोडक्ट्स हैं जैसे थीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ये ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन, नॉट वाटर, सल्फर और हाइड्रोजन। सो सी ऑप्शन चार्ली ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मिथेन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइट, टू ब्रेक द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन मिथेन, टू ब्रेक द क्लोरीन मॉलिक्यूल इनटू फ्री रेडिकल्स, टू हीट अप द मिक्सचर टू ब्रेक अप द क्लोरीन मॉलिक्यूल इनटू आयंस। जो क्लोरीन के साथ मिथेन का रिएक्शन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, इसका मकसद क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड होता है Cl2 के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ के Cl रेडिकल बनाना, वो Cl रेडिकल फिर मिथेन पे जाके एक हाइड्रोजन को मिट कराने की वजह से एक HCl बनाते हैं और Ch3 रेडिकल बनाते हैं। सो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, लाइट का मकसद Cl2 को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करना होता है। क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन इज बिलीव टू प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोपागेशन स्टेप। हम कहते हैं कि मिथेन की हम हैलोजिनेशन करते हैं, इसमें क्लोरीनेशन का उन्होंने पूछा हुआ है, इसमें प्रोपागेशन स्टेप कौन सा है। ये पहला CH3 रेडिकल Cl2 CH3 Cl+ Cl रेडिकल बनना,
प्लस एच सी एल दोनों रिएक्ट करके सी आई थ्री सी एल प्लस हाइड्रोजन रेडिकल बनाते हैं, या फिर डेल्टा ऑप्शन में दो रेडिकल मिल के मीथेन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इनमें जो ट्रू ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन, क्योंकि जो पहला ऑप्शन है सी एल ये है इनिशिएशन का, प्रोपगेशन का नहीं है बल्कि स्टार्टिंग पॉइंट है, जिनमें एक लाइट रिएक्ट एक्ट करती है सी एल टू के मॉलिक्यूल पे और दो फ्री रेडिकल देती है। जबकि सेकेंड ऑप्शन है ये है प्रोपागेशन का, जिसमें सी एच थ्री सी एल टू से रिएक्ट करके एक सी एच थ्री सी एल बनाता है और एक सी एल रेडिकल। चार्ली ऑप्शन भी गलत ऑप्शन में, हाइड्रोजन रेडिकल तो बनता ही नहीं कहीं पर भी। जबकि डेल्टा ऑप्शन प्रोपागेशन स्टेप का स्टेप नहीं है बल्कि ये एक टर्मिनेशन, जिसमें लास्ट पॉइंट होता है, आखिरला रिएक्शन होता है, इसके बाद कोई रिएक्शन नहीं होता। अ गुड क्वालिटी पॉलीथीन इज ऑब्टेंड When ethene is polymerized in the presence of aluminium triethyl only, titanium tetraethyl only, aluminium tetrachloride plus aluminium trichloride, titanium tetrachloride plus aluminium triethyl। इनमें जो सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो डेल्टा ऑप्शन। हम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और एल्युमिनियम ट्राईथाइल दोनों को यूज़ करके गुड क्वालिटी एथीन को ऑब्टेन करते हैं। लिंडर्स कैटलिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड प्लाटिनियम स्पोटेड ऑन कैल्शियम सल्फेट सिल्वर क्लोराइड सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट। जो लिंडर्स कैटलिस्ट है ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन के लिए यूज होता है। इनमें जो सा प्लाटिनियम है इसको हम बेरियम सल्फेट पे सपोर्ट करते हैं और इसको पॉइजन करते हैं क्विनोलाइन के जरिए। सो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अप टू हाउ मेनी मेंबर्स अल्काइन आर गैसेस 3, 4, 5, 10। इनमें ए ऑप्शन ठीक है, 3 कार्बन तक जो अल्काइन है वो गैसेज हैं, जबकि एल्कीन का हमने देखा था वो 4 कार्बन तक उसके मेंबर जोन से थे वो गैस फॉर्म में होते थे, जबकि एल्काइन में 3 मेंबर जोन थे, पहले वो गैसेस होते हैं, इसके बाद लिक्विड और फिर सॉलिड आ जाते हैं। लिंडर्स कैटलिस्ट गिव सीज एल्कीन ऑन ट्रीटमेंट विद अल्काइल वी गेट ट्रांस एल्कीन व्हेन अल्काइन इज ट्रीटेड विद सोडियम इन लिक्विड NH3 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड सोडियम इन NH3 एट -100 डिग्री सोडियम इन Cl2 एट 100 डिग्री एंड सोडियम इन Cl2 एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड। इनमें जो ट्रू ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन, क्योंकि लिंडर कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं सीजल केन के लिए, लेकिन जब हम वही अल्काइन को हम ट्रीट करते हैं सोडियम लिक्विड अमोनिया में, तो टेम्परेचर जो हम रखते हैं वो होता है -33 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके बाद जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है, जो अल्कीन आती है, वो ट्रांस अल्कीन होती है। ट्रांस अल्कीन अब क्या होती है, ऐसी अल्कीन होती है जिसमें जो उनसे कार्बन के साथ दो ग्रुप अटैच होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, या दूसरे कार्बन के साथ जो उनसे दो ग्रुप अटैच होते हैं इन दोनों की पोजिशन अपोजिट होती है। ये लेक्चर जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 है उसमें आपने पढ़ा था, और MCQ प्रैक्टिस में भी आपको बताया था के सीज अल्कीन क्या होती है और ट्रांस अल्कीन क्या होती है। व्हेन 2 मोल ऑफ अल्काइन आर कंप्लीटली कंबस्टेड हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 एंड H2O आर वी गेट 2 मोल ऑफ CO2 एंड 4 मोल ऑफ वाटर 4 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर 8 मोल ऑफ CO2 एंड 16 मोल ऑफ वाटर 16 मोल ऑफ CO2 एंड 8 मोल ऑफ वाटर। इनमें जो ट्रू ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो है बीटा ऑप्शन, क्योंकि जब हम अल्काइल को कंबस्टन करते हैं इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये 4 मोल देती है CO2 की एंड वाटर की देती है 2 मोल। इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि 5 ऑक्सीजन के जो मोल होते हैं वो 2 मोल से रिएक्ट करते हैं इथाइन के 2 मोल से रिएक्ट करने के बाद 4 मोल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और 2 देते हैं वाटर के, इसके साथ कुछ हीट भी रिलीज होती है।